हेलो दोस्तों, वेलकम टू डबल एस फोटोग्राफी। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सबको पता है कि होली आ ही गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं आज पोस्ट ट्राई करने के लिए। जैसे कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्पेशल होली फोटोशूट फॉर बॉयज़। तो आज हम देखेंगे कि लड़कों के लिए कैसे कैसे हम लोग पोस्ट ट्राई कर सकते हैं और जो होली के लिए हम कर सकते हैं, और फोटोज़ देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी शानदार फोटो हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं होली है, कलर्स हैं, तो कलर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़ोटो हमारी कोई बेकार है, ऐसा कोई चांस ही नहीं हो सकता, क्योंकि कलर्स से हमेशा ही फ़ोटोज़ एकदम से खिल जाती हैं। तो बस आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है, स्पेशल होली फ़ोटोशूट। और चलो देखते हैं, हम लोग पहले आपको दिखाता हूँ मैं कलर्स हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं वो अबीर लेके आए हैं कुछ, हम कुछ बैलून्स हैं, और ये हम तो आज हम पूरा ये पैकेट ही लेके आ गए हैं इस कलर फॉग का। तो स्मोक है ये, देखते हैं इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कलर का स्प्रे लेके, तो कलर ये स्मोक कलर भी लेके आए हैं ये स्नो वाला, जैसे देखते हैं इसका कि इन सब का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पोजेस हम लोग ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, कुछ 5-7 पोज ट्राई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे पोज ट्राई कर सकते हैं। तो आज लास्ट तक वीडियो तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हमारे पोजेस आज बहुत ही और भी एकदम से शानदार से होने वाले हैं। और मैं इतना जरूर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पोजेस बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो चैनल के साथ हमारे बने रहें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चलो पोज को हम ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी। तो गाइज, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करने वाले, पहले अपने आप को रंग से रंग देने वाले हैं खुद ही, या अगर आपके पास दोस्त हैं, जैसे हमारे पास तो है ही है देख लो, तो हम अपने पहले रंग लगवाएंगे पहले अच्छे से, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलो रंग को लगाओ पहले, यहाँ यहाँ कुल ऐसे ऐसे जितना हो सके। मैं खुद ही होली खेल रहा हूँ, भैया आप भी खेलाओ होली भाई। बस कपड़े कपड़े पे, पहले कपड़ा पेंट करना है हमको। तो अब हम रेडी हो चुके हैं शूट के लिए, मुझे लग रहा है ऐसा, बताना। तो गाइज अब हम लोग एकदम से रेडी हो चुके हैं फोटो शूट के लिए, अपने आपको कलर कर ही लिया, रंग लगा ही लिया है अब, तो चलो कुछ पोजेस ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी। चलो गाइज, हम लोग पहला पोज ट्राई करने चल रहे हैं। तो पहले पोज में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से बचने वाला पोज करना है। जैसे आप जानते ही हो ना कि सबको ऐसे रंग फेंकते हैं, तो हम लोग कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं मारना नहीं है, कुछ इस तरह का पोज करने वाले हैं हम लोग। तो चलो पोज को ट्राई करते हैं। सबको याद रखना कि अपने मतलब जैसे आप लोग बचते हैं ना, ऐसे हाथ ऐसे आगे रखते हो या ऐसे रखते हैं, तो इस साइड से भी दोनों रंग मारते हैं। तो हम इस साइड से ट्राई करेंगे, इस साइड से रंग मारवाएंगे, मतलब दोस्त हमारी साइड से रंग फेंकेगा, और हमें पास बचने वाला ऐसे पोज करना कि हम लोग बच रहेंगे, रंग कहीं हमारे मुँह पर ही ना लगे पूरा। तो ठीक है गाइस, चलो पोज को ट्राई करते हैं। दोस्तों चलो हम लोग पोज को ट्राई करें। आप देख रहे हो कि जैसे कि मेरे दोस्त ने रंग ले लिया, तो अब हमारे ऊपर फेंकेगा, हमें जस्ट बचने वाला पोज करना है कि हम लोग कैसे बच रहे हैं रंग से। वैसे बच तो नहीं पाएंगे, बस हमें ट्राई करना है बस। चलो देखते हैं पोज कैसा आता है। 3, 2, 1 तो गाइस हमने पहला पोज ट्राई कर लिया था, चलो सेकंड पोज ट्राई करते हैं। तो सेकंड पोज फर्स्ट पोज से रिलेटेड है। जैसे हमने फर्स्ट पोज पे बचते हुए एक तरफ से ही बस बच रहे थे फोटो रंग फेंक रहा था, तो हमें सेकंड पोज में बस ये करना है कि हम बस शांति से हंसते हुए स्माइल फेस करके खड़े रहेंगे सामने की ओर से, और दो दोस्त रहेंगे हमारे, एक दोस्त इधर से रंग फेंकेगा और एक दोस्त यहाँ से। तो ध्यान रखना कि दोनों दोस्त कलर, अगर ज़्यादा कोशिश करना यही कि अगर हमारे चीक्स पे या गाल पे अगर फेंके तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ऊपर नीचे फेंकते हैं फिर भी आपको फेस अपना फ्रंट पे रखना है, सामने ही रखना है, ताकि ऐसा लगे कि दोनों तरफ से कलर आ रहा है, फेस हमारा बीच में है। चलो फोटो को क्लिक करके देखते हैं, और मुझे लगता है फोटो बहुत शानदार आने वाली है। चलो फोटो को क्लिक करके देखते हैं। सेकंड पोज हमारा हो चुका है, तो चलो थर्ड पोज करते हैं। थर्ड पोज में हमें कुछ नहीं करना, ये कलर को अपने हाथ पर रख लेना है जैसे कि मैं ले रहा हूँ, और इसको कलर को हाथ में लेने के बाद अपने सिर पे डालें सारा कलर, और सिर पे डालते हुए ऐसे ऐसे करना है जैसे लड़कियाँ करती हैं, पर हम वाला पोज नहीं करेंगे क्योंकि हम लड़की लगेंगे।
तो चलो हमें सिर्फ रंग को लेके ऐसे से मतलब ऐसे करना है। अभी तो मेरे सिर पे इतना कलर तो नहीं है कि ऐसे करूँगा झड़े का, तो पहले मैं कलर डालूंगा उसके बाद फिर ऐसे झड़ूंगा ऐसे। जैसे कि हमारे पास जब कोई कलर हम होली खेलते कलर बहुत सारा पड़ जाता है तो हम उसको ऐसे झड़ते हैं ना कि हाँ कलर निकल जाए, तो सेम वाला पोज करना है हमें। तो चलो पोज को ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस हमने तीसरा पोज ट्राई कर लिया है, तो फोर्थ पोज में हमारे पास है कलर स्मोक है, तो हम इसका यूज करके देखते हैं फोटो कैसे आती है। वैसे इससे फोटो बहुत ही शानदार आती है, हमेशा ही देखा है मैंने जितनी फोटो देखी है एकदम फोटो एकदम सी आउटस्टैंडिंग आती है। तो चलो हम भी इस पोज को ट्राई करते हैं, इसका यूज करते हैं और देखते हैं फोटोज कैसे आती हैं। गाइस जल्दी से नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये बैलून में पानी भर लिया हुआ है, झूठ बोलो मैं सर से पानी नहीं भरा, हमने पानी था नहीं यहाँ पे, तो हमने इसको फुला के इसमें बस गट्ठी मार रखी है। आप लोग पानी भरा सकते हैं, इसमें पानी भर सकते हैं। तो हमारा पोज बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम लोग होली खेलते हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि हमारा दोस्त कहीं से आ रहा है, मतलब वो आता होता है, तो हम कई बार ट्राई करते हैं ना कि हम छुपे रहते हैं और हमको बस जैसे दोस्त आता वैसे ही मारते हैं बैलून ऐसे सेम पोज करना है हमें। हम लोग पेड़ का यूज़ कर रहे हैं, पेड़ का सहारा ले रहे हैं छुपने के लिए, मतलब छुपना छुपते हुए दिखाने के लिए। आप लोग दीवार या कहीं भी छुप सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे छुप रहे हैं, तो पोज हमारा ऐसे रहेगा कि बस वहाँ पे हम सामने की तरफ देख रहे हैं कि दोस्त हमारा वहाँ से आ रहा है और हम तुरंत ही छुपे होते हैं जैसे, और तुरंत निकल के मारते हैं, तो सेम ऐसे ही पोज रहेगा। तो चलो पोज को क्लिक करके देखते हैं फोटो हमारी कैसे आती है। कहाँ चले हमने पोज ट्राई कर लिया, तो नेक्स्ट पोज हमारा ऐसा बड़ा सिंपल सा रहेगा। अपने दोनों हाथों अपने कलर ले लेंगे और बस ऐसे दोनों हाथ सामने देखते हुए हंसते हुए ऐसे कलर को उछाल देंगे और फोटो हम क्लिक करा लेंगे। हमारा ये फोटो भी रैंडम शॉट होने वाला है, और फोटो ध्यान रखिए सारी फोटोज कॉन्टिन्यूस मोड पर क्लिक करवाना है ताकि हमें जो भी कलर उड़ते हुए एकदम अच्छे तरीके से उसमें कैप्चर हो जाए। चलो पोज को ट्राई करते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पोज ट्राई करते हैं, पिछले पोज आप लोग देखते रहे जब तक। तो इस पोज में हम कुछ नहीं करेंगे, अपने हाथों में बस कलर को लेके ऐसे मतलब ऐसे हाथ मलते हुए फोटो खिंचाना है, जैसे कि हाथ हमारे हाथ में रंग लग जाता है छुड़ाते हैं, तो वैसे सेम पोज हमें कराना है इसलिए। लेकिन आपको रंग ज़्यादा लेना पड़ेगा हाथ में ताकि जब आपको ऐसे हाथ लें तो अच्छे से उसके पार्टिकल्स या गिरते हुए दिखाई दें। और एक हमारा दोस्त रहेगा जो पीछे से कलर फेंकेगा हमारे सिर पर फेंकेगा ताकि एकदम से सिर यहाँ पर हमारा कवर हो जाए, फोटो सिर्फ कलर रहे और पीछे पूरा बैकग्राउंड कलर आ जाए, हमारा बस फेस दिखता रहे और हमारा हाथ दिखता रहे, ठीक है। तो चलो पोज को ट्राई करते हैं और देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ। नेक्स्ट पोज भी बड़ा सिंपल सा है, हमें नीचे जमीन पर बैठ जाना है, इस तरह बैठ जाना जमीन पर बढ़िया, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे बैठ जाना है। और हमें ऊपर की तरफ देखना है, इस तरह अपना एंगल रहेगा और हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैं बता रहा बैठ ही जाना और अपने फ्रेंड का यूज़ अपने फ्रेंड की हेल्प लेना आप लोग, ताकि वो दोनों हाथों में जैसे कलर लेके ऐसे ऊपर को उड़ाए और आप लोग ऐसे आराम से बैठे रहें ताकि तो कलर ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, तो बहुत अच्छी फोटो आएगी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपने सारे पोजेस ट्राई कर लिए हैं, आपको पोजेस कैसे लगी, हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पोजेस अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जुड़ सकें। और हाँ मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि होली है तो सबको कलर्स लाएंगे, पानी का यूज़ करेंगे, तो मैंने जैसे वीडियो में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो मैं आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि पानी का बहुत कम यूज़ करें। जैसे जानते हैं कि पानी की मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती है हर जगह, तो मैं नहीं चाहता कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करें आप लोग, बस सिंपल सी होली खेलें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कलर्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें, अच्छे कलर यूज़ करें जिनका हमारे स्किन पे या किसी पे मतलब प्रॉब्लम्स ना हो पाए। जैसे कि मैं अब ये बता रहा हूँ, मैं आपको अभी मैं लेके आया था स्प्रे लेके आया था ये कलर स्प्रे लेके आया था, तो हमें पता नहीं था इसकी पैकिंग ऊपर से कोई और थी, तो जब मैंने इसको ऑन जब इसको मैंने
पैकेट अचानक से देखा खुल रहा था, मैंने खोल के देखा, तो आप देखें इसमें किसका यूज़ हुआ था। आप लोग भी बड़े ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि इसमें यही वो चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ कर लेते हैं और हमारे स्किन पे मतलब इफेक्ट पड़ जाता है, स्किन में दाने या ऐसे पिंपल्स का तरह के कुछ निकलते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये सब इन सब चीज़ों को देख के खरीदेंगे, यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे अगर ना ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ब्रांड को किसी ब्रांड को गिराने की कोशिश करूँ, पर नहीं, जैसे हमारे साथ हुआ ये कि अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं बिना प्रॉपर खोले तो हम पता नहीं क्या हो जाता। तो आप लोग भी ज़रा सावधान रहें, अच्छे कलर का यूज़ करें और सेफ होली खेलें। हैप्पी होली एंड सेफ होली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।